हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी लूपिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने व्हाइल लूप देखा था। तो फ्रेंड, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो एपिसोड आपको जरूर जरूर पहले देखना है। और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर लूप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। सिंपल सा सिंटैक्स है, जिसके अंदर आपको लिखना है पहले फॉर। जैसे हम लोग व्हाइल के अंदर व्हाइल लिखते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है फॉर। तो आप जैसे ही फॉर लिखोगे तो पाइथन को पता चल जाएगा कि अभी उसको क्या करना है, तो लूपिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग व्हाइल लूप के अंदर कुछ कंडीशन रखते थे और वो कंडीशन तक वो जैसे ही पहुँच जाएगा तब वो लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाती। तो इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कंपलसरी एक वेरिएबल लेना है, उसके बाद आपको लिखना है इन, और इन के बाद आप यहाँ पे जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप पास कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉलन, और फॉर लूप के अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड, व्हाइल लूप के अंदर हम लोग उसको कंडीशन के थ्रू कंट्रोल करते थे, तो उसी तरीके से हम लोग फॉर लूप के अंदर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वैल्यूज। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसका डायरेक्ट एग्जांपल और प्रैक्टिकल देखते हैं, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड, फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर, और अभी हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल पास्ट टाइम अपने को हेलो प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ प्रिंट हेलो 5 times, और अभी हम लोग यूज़ करने वाले फॉर लूप। तो अभी आपको लिखना है सिंपल फॉर, उसके बाद आपको एक कंपलसरी वेरिएबल लिखना है, मतलब आपको जो भी वेरिएबल का नाम रखना है वो आप रख सकते हो, लेकिन आपको वेरिएबल ज़रूर ज़रूर इसके अंदर लेना होगा। उसके बाद इन, और इन के बाद हम लोग को यहाँ पे पास करनी होती है वैल्यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वैल्यूज़ पास करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर आप जो चाहो वो वैल्यू आप पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे 1, 2, 3 पास तक लेके जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट के अंदर हेलो, और फॉर लूप के बाहर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ फिनिश, मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारी लूप फिनिश हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं पाइथन, उसके बाद हमारी फाइल का नाम .py। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो हेलो 5 बार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिनिश। तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी सिंपल क्या हो रहा है, तो ये फॉर लूप क्या करता है, तो इसमें से जितनी भी सारी वैल्यू होगी उसमें से हर बार एक एक वैल्यू उठाता है और वो किसके अंदर रखता है, इस बार वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर जो भी हम लोगों ने लॉजिक लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर से हमारी लूप चालू होती है। और एक तो ऑलरेडी असाइन हो गया था, अभी एक वो असाइन नहीं करेगा, अभी वो किसको असाइन करेगा, 2 को असाइन करेगा, किसके अंदर, बार के अंदर। उसके बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद बार के अंदर स्टोर होगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बार की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो के बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल क्या हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम 1 स्टोर होता है, फिर लूप घूमती है, उसके बाद 2 स्टोर होगा, उसके बाद 3 स्टोर होगा, उसके बाद 4 स्टोर होगा, उसके बाद 5 स्टोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक एक वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद हमारी लूप एग्जीक्यूट होती है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर आप जो चाहे वो वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 1, 2, 3 रखा, फिर अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे सूडो, उसके बाद यहाँ पे पावर, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से नंबर डालना चालू कर देता हूँ। तो अभी डबल कोट के अंदर मैं 4 लिखता हूँ, फिर 5 लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखो क्या होता है, तो मैं सिंपल इसको रन करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो 1 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हेलो 2, फिर हेलो सूडो, फिर हेलो पावर, फिर 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सिंपल जैसे बोला एकदम सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो एक एक वैल्यू यहाँ से निकाल के पाइथन किसके अंदर स्टोर करता है,
तो जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे लिया होगा उस वेरिएबल के अंदर अभी मेरा जो वेरिएबल का नाम है वो है बार। तो क्या होगा, एक पहले स्टोर होगा इस बार के अंदर, फिर वो यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर बार की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। उसके बाद 2 स्टोर होगा, उसके बाद फिर से हेलो प्रिंट होगा, बार की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद स्टोर होगा सूडो, सूडो किसके अंदर स्टोर होगा, बार के अंदर, तो फिर से यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है और सूडो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद उसके अंदर स्टोर होगा पावर, तो हेलो और पावर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से 3 4 5, मतलब इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोगों ने जितने भी वैल्यूज लिखे होंगे वो वन बाय वन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और उसको हम लोग जैसे चाहे वैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने जो कोड किया वो कोड कैसा है, फिक्स। फिक्स मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू फिक्स कर दिया, तो इतनी ही वैल्यू इसके अंदर असाइन होगा और उतनी बार हेलो प्रिंट होगा और बार प्रिंट होगा। लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, तो यूजर जितनी टाइम चाहिए उतनी टाइम हेलो प्रिंट होना चाहिए। मतलब 5 इनपुट करेगा तो 5 बार हेलो प्रिंट करो, अगर 10 इनपुट करेगा तो 10 बार हेलो प्रिंट करना है। तो उस केस में हम लोग को प्रोग्राम को क्या है, डायनामिक करना है। तो फ्रेंड ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं रेंज फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले उसका सिंपल सा सिंटेक्स बता देता हूँ। तो अब ये जो राउंड ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट हम लोग रहने देते हैं और वैल्यू में निकाल देता हूँ, और ये जो राउंड ब्रैकेट है उसके बाहर मैं लिखता हूँ रेंज। मतलब इन शॉर्ट आपको यूज करना है रेंज फंक्शन, और फंक्शन ब्रैकेट तो आपको रखना ही रखना है, राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर आपको वैल्यू पास करना है। तो मतलब समझ लो अभी मुझे फिलहाल 10 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 0 से स्टार्ट करता हूँ और मुझे लेके जाना है उसको 10 तक। मतलब अभी क्या होगा फ्रेंड, तो ये जो रेंज फंक्शन क्या करता है, तो हम लोग को एक रेंज प्रोवाइड कर देगा, एक सेट ऑफ नंबर्स हम लोग को प्रोवाइड करेगा, मतलब जिसके अंदर वो पहले हम लोग को 0 देगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो कहाँ तक जाएगा, तो 10 तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली वो 10 तक नहीं जाता है, वो कहाँ तक जाता है, वो जाता है जो हमारा एंड नंबर होगा। मतलब अभी एंड नंबर है 10, तो 10 माइनस 1 मतलब वो 9 तक जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग नंबर देना है और उसको आपको कहाँ तक लेके जाना है वो आपको एंड नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर एक सिंपल चीज़ याद रखना है, तो जो रेंज है वो हमेशा जो डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो एंड है वो एंड तक, एग्जैक्ट एंड तक नहीं जाता है। मतलब अगर आपने 10 लिखा है तो वो 9 तक जाएगा, अगर आपने 20 लिखा है तो वो 19 तक जाएगा, मतलब एक कम जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको पहले रन करके देख लेते तो आपको पूरा पूरा आइडिया आ जाएगा। तो मैं अभी रन करता हूँ, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले प्रोग्राम रन किया, उसके बाद यहाँ पे फोर वाला जो स्टेटमेंट है वो पाइथन एग्जीक्यूट करेगा, और हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है रेंज फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पिछले जो हम लोगों ने कोड किया उसके और इसके बीच में एक ही डिफरेंस है, हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं रेंज फंक्शन, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले जो अभी कोड किया उसके अंदर हम लोग रेंज यूज़ नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट फंक्शन ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको क्या यूज़ करना है, तो रेंज फंक्शन, RANGE। तो फ्रेंड अभी इसके अंदर क्या होता है, तो मैंने जैसे बोला कि ये जो रेंज फंक्शन है ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक रिटर्न करेगा, वो जो लास्ट नंबर हम लोगों ने दिया होगा वहाँ तक वो रिटर्न करता है। मतलब इसमें से एक एक वैल्यू निकलेगी और किसके अंदर स्टोर होगी, बार के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया 0 से, तो 0 यहाँ से निकल के इसके अंदर स्टोर होगा, किसके अंदर, बार के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है और बार प्रिंट हो रहा है, तो उसका जो आउटपुट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, हेलो, उसके बाद बार की वैल्यू थी 0। उसके बाद फिर रेंज फंक्शन से ये फॉर लूप क्या करेगा, तो नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो 0 तो ऑलरेडी आ गया है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी 1, तो 1 वो किसके अंदर स्टोर करेगा, बार के अंदर, और प्रिंट हो रहा है हमारा हेलो और 1। उसके बाद 2 पिक करेगा, 2 बार के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद हेलो 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से वो जो हम लोगों ने एंड नंबर दिया है वहाँ तक जाएगा। वहाँ तक मतलब वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं जाएगा, वहाँ से एक माइनस सिंपल आप कर दो, तो वो कहाँ तक जाता है, सिंपल
जो हमारा एंड नंबर होगा वहाँ तक, और जैसे ही वहाँ पे वो पहुँच जाएगा हमारी ये लूप स्टॉप हो जाती है और हम लोग सिंपल उसके बाहर आ जाते हैं और आपको लास्ट में यहाँ पे फिनिश आउटपुट मिल जाएगा। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा रेंज फंक्शन, जिसके अंदर आपको एक स्टार्टिंग नंबर पास करना है और आपको कहाँ तक लेके जाना है वो नंबर आपको पास करना है, और इसके अंदर याद रखना कि वो कहाँ तक जाएगा, -1 तक। ठीक है फ्रेंड्स, एक माइनस कर देना पीछे से, और उसके बाद आप और एक वैल्यू उसके अंदर पास कर सकते हो जो है इंक्रीमेंट। तो फ्रेंड अभी हम लोग इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू देख लिया, एंडिंग वैल्यू देख लिया, अभी हम लोग को पास करना है इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट जो होता है बाय डिफॉल्ट 1, तो 1 में अभी फिलहाल 1 ही रख रहा हूँ, और अभी मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, उसके बाद फिनिश प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, तो ये जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ 2, और अभी हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो अभी आप आउटपुट के अंदर कुछ चेंज देखोगे और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हेलो 0 प्रिंट हुआ लेकिन 1 प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट हेलो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 10 तक तो जाएगा नहीं, फिर लूप हमारी स्टॉप हो गई और यहाँ पे आ गया फिनिश। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तो वो सबसे पहले 0 यहाँ पे असाइन कर देता है बार के अंदर, और यहाँ पे 0 तो प्रिंट हो गया, लेकिन दूसरी बार जब हमारी लूप चलेगी तो वो क्या करता है, तो 0 के अंदर इंक्रीमेंट करेगा 2। तो पहले क्या हो रहा था, तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे और उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था, क्योंकि उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 0 के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 के अंदर और एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन अभी हम लोगों ने उसका जो इंक्रीमेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने सिंपल चेंज कर दिया, तो अभी क्या होगा, उसके अंदर दो दो ऐड होगा। तो 0 के अंदर 2 ऐड हुआ 2, फिर 2 के अंदर फिर 2 ऐड होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद 10, लेकिन 10 तक तो जाता ही नहीं है, वो एक माइनस हो गया तो वो 9 तक ही जाएगा, तो लूप हमारी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और आपको सिंपल आउटपुट के अंदर मिलेगा हेलो 0 से लेके 8 तक और फिनिश। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से काम करती है हमारी फॉर लूप, जिसके अंदर आप अगर रेंज फंक्शन निकाल दोगे तो इसके अंदर जितनी वैल्यू होंगी उतनी 1 बाय 1 वैल्यू इसके अंदर असाइन होता है। लेकिन जब भी हम लोग रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर 3 ही पैरामीटर आएंगे, फ्रेंड्स याद रखना 3 पैरामीटर, एक है स्टार्टिंग, एक है एंडिंग और उसके बाद इंक्रीमेंट। तो जब हम लोग रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितनी भी हम लोगों ने एंडिंग दिया होगा उसके बीच में जितनी भी नंबर होगा वो हम लोग को रिटर्न करता है, और उतनी बार हमारी फॉर लूप सिंपल चलेगी। और फ्रेंड अभी हम लोग इस प्रोग्राम को कर लेते हैं डायनामिक, और ये जो इंक्रीमेंट है उसको मैं फिलहाल 1 कर देता हूँ, और अभी यूजर जितनी टाइम चाहिए उतनी टाइम हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं यूजर के पास से, इनपुट INT के अंदर इनपुट, और इसके अंदर मैं मैसेज लिख देता हूँ इंटर नंबर नंबर। और अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो हम लोग को रख देना है सिंपल नंबर। तो अभी क्या होगा, तो हमेशा वो 0 से स्टार्ट होगा, और यूज़र ने अगर 10 डाला है तो वो 10-1 मतलब 9 तक जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया तो वो हम लोग को 10 टाइम घूमने ही वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसको 0 से स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो मैंने अभी लिखा 10, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 0 से और यहाँ तक 9 तक जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे यूज़र को तो कन्फ्यूज़न होगा, हम लोगों ने 0 से स्टार्ट कर दिया फिर 9 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। तो फ्रेंड उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बार है इसके अंदर यहाँ पे +1 कर देता हूँ, और इसको हम लोग जब भी रन करेंगे तो यूज़र को क्या देखने वाला है आउटपुट के अंदर 1 से लेके 10 तक, क्योंकि मैंने क्या किया है उसको हर बार एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल ये जो लूप है वो 1 से स्टार्ट करो, लेकिन उस केस के अंदर ये जो नंबर है उसके अंदर आपको और एक 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक माइनस हो जाता है। तो मैं पहले इसको आपको सिंपल रन करके दिखाता हूँ।
अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स से और इसको हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स से तो स्टार्ट हो गया लेकिन वो 10 तक नहीं जा रहा है, और जो हेलो है वो अभी 9 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो 10 टाइम प्रिंट करना है। तो सिंपल ये जो नंबर है उसके अंदर आपको एक ऐड कर देना है, और मैं अभी जैसे 10 लिखता हूँ तो 10 टाइम प्रॉपर प्रिंट होगा, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा सोचना है और आप जैसा चाहे वैसा आप लॉजिक चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको 2 तरीके दिखा दिया। मैंने यहाँ पे +1 किया था लेकिन उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसको 1 से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में जितने सारे लॉजिक होंगे, जितने सारे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, वो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो सिखा रहा हूँ वही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके माइंड में कुछ अलग आइडिया आ रहा है तो वो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो। यही प्रोग्रामिंग का एक मैजिक है, जिसके अंदर आप खुद का जो माइंड के अंदर अलग अलग जो लॉजिक आते हैं वो आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और खुद का एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो यहीं पे पॉज करना है और मैंने आपको जितने भी तरीके सिखाए फॉर लूप के, वहाँ पे आप वीडियो पॉज करो, एक सिंटेक्स का पूरा इम्प्लीमेंट करो, आउटपुट देखो, आउटपुट के अंदर चेंज करो, प्रोग्राम के अंदर चेंज करो, अलग अलग नंबर डालो। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे +1 किया, फिर यहाँ पे 1 किया, फिर यहाँ पे +1 किया, इस तरीके से चेंज करो। उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट है ये चेंज करके देखो, और आपको इन शॉर्ट इसके साथ खेलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद आपको इस वीडियो का नेक्स्ट सेशन देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आइडिया आएगा कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिए थे व्हाइल लूप के अंदर करने के लिए। तो ये जो मेरी रिपोजिटरी है गिटहब की, पाइथन कोर्स, उसके अंदर जाना है आपको लूप के अंदर, उसके अंदर readme.md वो आपको ओपन कर लेना है। ये जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिए थे, उसमें से एक जो प्रोग्राम है जिससे जो भी नंबर यूज़र डालेगा उसका आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग फॉर लूप से भी सॉल्व करते हैं और व्हाइल लूप से भी सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर, और अभी हम लोग को क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल, और इसके अंदर सबसे पहले आपको इनपुट लेना है, तो वो मैंने लिखा है ऑलरेडी। अभी हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल फॉर लूप स्टार्ट करो, इसके अंदर जो वेरिएबल लेना चाहो वो आप ले सकते हो। और अभी हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को 1 से लेकर 10 तक हम लोग को तो फिक्स जाना ही जाना है, तो मैं यहाँ पे उसको फिलहाल फिक्स कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट में रखता हूँ 1, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग 1 से करना है, और हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक प्रिंट करना होता है, सिंपल तो 10 तक। तो हम लोग यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो 1 माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 11। और हम लोग को इंक्रीमेंट कितना करना है हर बार, तो 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो 1 अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग को क्या करना है, तो पहले तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, तो मैंने जैसे बोला था कि फॉर मल्टीप्लिकेशन 1, फिर यहाँ पे 4x2, 4x3, ऐसा आपको एग्जैक्ट प्रिंट करना है। तो ये जो पार्ट है ये प्रिंट करने का पार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो पहला वाला जो लाइन है इसके अंदर 4 4 4 फिक्स है, मतलब जो भी नंबर यूजर प्रिंट इनपुट करेगा वो फिक्स है। उसके बाद 1 2 3 चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग को वो जो फर्स्ट लाइन है वो नंबर तो हम लोग का फिक्स है, तो वो नंबर में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद बीच में है x, उसके बाद 1 2 3 है, तो 1 2 3 किसके अंदर जा रहा है हमारा, तो बार के अंदर, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ बार। और ये जो कोड हम लोगों ने किया पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अभी मैं फिलहाल जैसे डालता हूँ 12, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 12, यहाँ पे नंबर तो 12 प्रिंट हो गया। उसके बाद x, x के बाद प्रिंट हुआ बार, तो बार के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या गई, तो 1 गई। लेकिन हम लोग को 1 2 3 पूरा यहाँ पे प्रिंट करना है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 1 और 11 ही आ रहा है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे रेंज लिखना भूल गए, हम लोगों ने रेंज फंक्शन का तो यूज ही नहीं किया,
तो इसलिए आपको इस तरीके से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो आपको ध्यान से आपका जो प्रोग्राम है उसको एनालाइज करना है। अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कॉलन लिखना छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा लिखना छोड़ देते हैं, या फिर ये जो इक्वल टू है वहाँ पे हम लोग गलती से कॉलन यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और प्रॉब्लम आती है तो फिर से आपका प्रोग्राम जो है वो वन बाय वन एनालाइज करो, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर बोलते हैं डिबग करना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, एरर होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपकी एरर तो भी सॉल्व नहीं होती तो सिंपल आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो हम लोग रेंज फंक्शन लिखना भूल गए थे तो मैंने लिख दिया, तो अभी क्या होगा, 1 से लेके जाएगा वो 10 तक। तो अभी हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं अभी फिलहाल डालता हूँ 3। तो फ्रेंड अभी अभी आप देख सकते हो 3x1, 3x2, 3x3। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर तो हमारा फिक्स है, तो यहाँ पे 3 3 3 प्रिंट हो रहा है। हम लोगों ने खाली चेंज किया है बार की वैल्यू, बार के अंदर पहले स्टोर होगा 1, क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया रेंज फंक्शन और स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, तो 1 स्टोर हुआ, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद रेंज में से जो 2 है वो बार के अंदर स्टोर होगा, फिर बार के अंदर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके अंदर 3 स्टोर होगा, फिर 4 स्टोर होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 स्टोर होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 6 7 इस तरीके से 10 तक वो जाएगा। अब ये लेकिन हम लोग को प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के बाद, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल टू जो कैरेक्टर है वो हम लोग डबल कोट के अंदर सिंपल प्रिंट कर देते हैं, और इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट आउटपुट के अंदर क्या चेंजेस आया वो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल इक्वल टू ऐड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फिक्स कैरेक्टर है वो आपको डबल कोट के अंदर लिखना है, और जो आपका वेरिएबल होगा उसको आपको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप डबल कोट के अंदर लिखोगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि ये जो बार है इसको मैं डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ, तो अभी आप सोचोगे कि बार की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली बार 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 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको डबल कोट के अंदर लिख दिया है, और डबल कोट के अंदर तो फिक्स हो जाता है, वो स्ट्रिंग हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उस पे आपको ध्यान देना है। और अभी हम लोग को फाइनली अभी क्या करना है, तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 4 भी है हमारे पास, फिर ये जो इंक्रीमेंट 1 2 3 हो रहा है वो नंबर भी है हमारे पास, तो हम लोग को सिंपल अभी करना है मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर भी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करना है आपको सिंपल स्टार, और उसके बाद 1 2 3। 1 2 3 किसके अंदर स्टोर हो रहा है, बार के अंदर, तो वो बार अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो नंबर और बार इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम लोग को इक्वल टू के बाद आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग एग्जिट करके देख लेते हैं। अभी मैं डालता हूँ सिंपल 5। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 10, फिर 5 3 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया यूजिंग फॉर लूप। अभी फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, तो यही प्रोग्राम अभी हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग व्हाइल लूप। तो मैंने ऑलरेडी एक अलग से फाइल बना ली है whileloop.py, इसके अंदर इनपुट का सिंटेक्स तो सेम रहेगा, वो मैंने लिख लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर मैं लेता हूँ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, और इसको मैं चेक करूँगा बार ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 10, और इसके अंदर हम लोग को प्रिंट करना है। तो प्रिंट के अंदर सबसे पहले नंबर तो हमारा फिक्स रहेगा जो अभी हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद बार की वैल्यू हम लोग को एक एक इंक्रीमेंट करना है, और बार की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है कि बार इक्वल टू फिर बार प्लस 1, लेकिन फॉर लूप के अंदर हम लोग को वो लिखना नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो काम हमारा ये जो रेंज फंक्शन और जो 4 है वो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बिठा के एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं। अभी अगर ये जो प्रोग्राम है वाइल वाला, इसके अंदर अगर हम लोग को 2 से इंक्रीमेंट करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता 2, लेकिन 4 के अंदर वैसा कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर सिंपल जो थर्ड पैरामीटर है वो आपको पास कर देना है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सिंटेक्स में थोड़ा चेंज है, लेकिन लॉजिक तो हर जगह सेम ही रहेगा। जैसे हम लोग को इसके अंदर +1 करना है,
इसके अंदर भी प्लस वन हो रहा है लेकिन वो हाइड है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होने ही वाला है और आउटपुट आपका सही आने ही वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हाइल लूप के अंदर हम लोग को पूरा क्लियर दिखता है कि यहाँ से कंडीशन चेक होता है, फिर यहाँ पे प्लस वन वन बाय वन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सब काम हमारा एक ही फंक्शन के अंदर हो जाता है। लेकिन व्हाइल के अंदर थोड़ा हम लोग को लॉन्ग लिखना पड़ता है, कंडीशन लिखनी पड़ती है अलग से, इंक्रीमेंट का लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा, तो वो सब आपको व्हाइल के अंदर करना पड़ता है। तो फ्रेंड अभी इतना जो प्रोग्राम है जो हम लोग ने सिंपल प्रिंट किया, इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम, और अभी मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट करता हूँ 4। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है वो मैंने पूरी की पूरी गलत लिखी है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा है, बार ग्रेटर देन इक्वल टू 10, बार के अंदर वैल्यू है 1, फिर कंडीशन क्या चेक होगी, 1 ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो सिंपल ये जो लॉजिक है ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, और मैं फिर से इसको रन करता हूँ, फिर से अभी 3 डाल देता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आउटपुट एकदम सही तरीके से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो इक्वल टू प्रिंट करना है, उसके बाद हम लोग को करना है नंबर और बार के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अभी मैं डालता हूँ 10 का टेबल चाहिए मुझे, तो 10 का टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया व्हाइल लूप का यूज़ करके, उसके बाद सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया फॉर लूप का यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही प्रॉब्लम में, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम भी बहुत सारे देखे होंगे जिसके अंदर एक ही प्रॉब्लम, एक ही प्रोग्राम हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो व्हाइल लूप है, ये जो फॉर लूप है, आपको जो लूप चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको व्हाइल कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जैसा लॉजिक अच्छा लगे, जो लूप अच्छा लगे वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड मैंने अभी आपको जितने भी प्रोग्राम दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो ये सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपको करना है, व्हाइल लूप से भी करना है और यही प्रोग्राम आपको फॉर लूप से भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप प्रोग्राम के अंदर अच्छे बनते जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उतनी ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग के जो टूल्स है वो ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे और प्रोग्रामिंग उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट बनने का सिंपल एक ही तरीका है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको उसके अंदर ग्रैपिंग आएगी। तो फ्रेंड अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड पहले तो आपको जो मेरे पिछले एपिसोड है, बेसिक एपिसोड आपको देखना है, बेसिक प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपको करना है, उसके बाद ये जो हायर लेवल वाले जो एपिसोड है वो आपको देखना है, और ये जो हायर लेवल वाले जो प्रोग्राम है फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया, एक भी एपिसोड आपने नहीं देखा या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आपको बेसिक आना जरूरी है और आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करोगे फिर आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको प्रैक्टिस तो जरूर जरूर करना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगर मेरे एपिसोड कुछ सीखने के लिए आपको हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, थैंक यू।